मेरा तिरंगा जो है अब मंगोलिया में फहराया जा रहा है। प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी बना लूं थोड़ी सी। ये वो ट्रांस साइबेरिया ट्रेन है, डेजर्ट होगा, मैं हूंगा, मेरी धन्नो होगी। 108 देश हो गए हैं यार, मतलब निकले थे तो सोचा ही नहीं था। नमस्कार, निहाओ, राम राम दोस्तों, मैं साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री। अपने अगले देश की तरफ प्रस्थान करने से पहले चाइना को एक बार लास्ट निहार लूं। चाइना में पिछले एक महीने से था, धन्नो आ गई है वापस, दोबारा से सेट कर लिया धन्नो को, और अब हम जो है नए कंट्री की तरफ जा रहे हैं। ये जो पीछे देख रहे हो ये मेरा रात का होटल था। अब हम जा रहे हैं मंगोलिया की तरफ। तो आज कैसे बॉर्डर क्रॉस होएगा, क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा मंगोलिया में क्या क्या करने वाले हैं, वो सब बातें आपसे डिस्कस करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना, मज़ा आने वाला है। लव यू, चलते हैं नई कंट्री। लो जी, हमारी धन्नो और हम निकल लिए हैं। अब यहाँ से बॉर्डर 1 या 2 किलोमीटर है, तो कहते हैं कि बॉर्डर का 500 मीटर का एरिया जो है आप साइकिल या फिर पैदल क्रॉस नहीं कर सकते, आपके पास कोई साधन होना ही चाहिए। तो हमारे पास तो हमारी साइकिल है, तो होप फॉर बेस्ट। जाने दे, मुझे जाना है। ये देखिए यार, छोटा सा टाउन है लास्ट, और बिल्डिंग है यहाँ पे भी मस्त है। अब हम जैसे एक अलग ही दुनिया में जाने वाले हैं, जो खाली खाली सा होएगा पूरा देश। ये डेजर्ट का सिटी है यार, अब यूँ लगा लो कि हमारे यहाँ बीकानेर का शहर है ये, और उस शहर में इतनी प्लांटेशन हो तो मज़ा सा नहीं आ जाए। साइड में बॉर्डर की दीवार है, पर समझ नहीं आ रहा कि किधर से जाना है, इधर से अलाउड करेंगे कि नहीं। चल के देखता हूँ, बात करता हूँ, फिर देखता हूँ कुछ बनती है तो बात। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे फ़ोन का डाटा भी ख़त्म हो गया यार, कल से, तो 1 महीने के लिए था वो ख़त्म हो गया। लो जी, पुलिस वालों ने वापस भेज दिया मुझे, बोला कि कार से जा, ऐसे अलाउड नहीं करते हम यहाँ पे। और ये जो आवाज़ आती है ना पी, ये देखो, ये आवाज़ मेरी धन्नो के गियर बक्से की आवाज़ है। कई भाई सोच रहे बोला बैटरी वाली साइकिल लेके घूम रहे हैं। दिखाऊंगा मैं फ्री होकर। 5 गए 5 वापस, 10 किलोमीटर वापस होटल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में इंटरनेट नहीं है, और होटल वाले से पता करूँगा कोई टैक्सी दिलवाए। तो होटल की तरफ पहुँच गए। होटल में आया वापस, और ये धन्नो को ऐसे रख लिया इसमें। ये भाई सब 150 RPM लेंगे, 150 RPM इज नियरली 1800 रुपये। सिर्फ 1 किलोमीटर के हैं, एक तो नहीं है, मतलब 5 किलोमीटर बॉर्डर है, 5 किलोमीटर के 1800 रुपये दे रहे हैं, अब तक की सबसे महंगी टैक्सी। चलो कोई नहीं, चलता है, बॉर्डर तो क्रॉस करना ही था। तो दोस्तों, साइकिल बाबा की विश्व यात्रा के एक और देश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इंटर कर गए हैं मंगोलिया, और ये जो सामने दिख रहा है वो बॉर्डर है भाई। बॉर्डर से जो है गाड़ी वाले ने मुझे इस साइड ड्रॉप कर दिया। बॉर्डर इजी था, पर हुआ थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला। कैसे, उधर से टैक्सी में आया, चाइना की तरफ साइकिल को उतारा, साइकिल को स्कैन में से निकाला सारा, फिर साइकिल को उसके अंदर रखा गाड़ी के अंदर, फिर मंगोलिया साइड आया, मंगोलिया फिर स्कैन के अंदर से निकाला, फिर साइकिल को अंदर रखा, फिर बॉर्डर क्रॉस किया, और फिर जो है यहाँ पे उतरा। तो साइकिल बाबा की विश्व यात्रा के 108वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मंगोलिया एंटर करके यहाँ से जो ओलन बतार करके जो कैपिटल सिटी है, लगभग 700 किलोमीटर है इस बॉर्डर से। तो अगले 5-7-10 दिन कितने भी दिन लगेंगे, मस्ती करते हुए जाएंगे भाई। डेजर्ट होगा, मैं हूँगा, मेरी धन्नो होगी, और कुछ नहीं होगा। तो ये सही मतलब एग्ज़ाम वाला रूट रहेगा कि अकेला डेजर्ट में, ये जिस जगह पे हूँ मैं, आप मिट्टी से देख पा रहे हो, ये जो मिट्टी है ये गोबी डेजर्ट है। देश में इंटर करते एक बहुत अच्छा सा स्टैचू सा भी बना रखा है इन्होंने, ये चौक बनाया हुआ है एक खूबसूरत सा। तो दोस्तों, आपका प्यार आशीर्वाद मुझे बहुत भर भर के चाहिए। अब 108 देश हो गए हैं यार,
मतलब निकले थे तो सोचा ही नहीं था। चाइना में एक बार और आएंगे, चाइना में हम दो बार ट्रैवल कर चुके हैं, चाइना में तीन बार तो ट्रैवल करना बनता है। चाइना बहुत बड़ा है यार, बहुत यूज है, रोड वगैरह बहुत अच्छे बने हुए हैं, साइकिलिंग रूट बहुत अच्छे बने हुए हैं, पर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक सिटी से दूसरी बड़ी सिटी जाना है तो लगभग 1500 किलोमीटर है। तो आप एक बार में सिर्फ 1500-2000 किलोमीटर कर सकते हो, इससे फालतू नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में टाइम एक महीना रहता है वीज़ा का, लंबा वीज़ा चाइना देता नहीं है। मेरा तिरंगा जो है अब मंगोलिया में फहराया जा रहा है। अब सबसे पहले मंगोलिया में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है, वो है पानी की, क्योंकि अभी हमें जो है गोबी डेजर्ट को क्रॉस करना है लगभग 600 किलोमीटर तक। आगे बाज़ार दिख रहा है मुझे, वहाँ जाके सबसे पहले मैं लेता हूँ सिम कार्ड, करेंसी, और फिर जो है पानी लोड करता हूँ भाई, पानी और खाने की चीज़ें। चाइना से मैं कुछ लेके नहीं आया ज़्यादा सा। मैंने टैक्सी वाले से पूछा तो बोला कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है सिम कार्ड भी मिल जाएगा, पैसे चेंज वाला भी मिल जाएगा, तो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप रेलवे स्टेशन जाइएगा और ये सब करके, और फिर मैं जो है आगे निकल जाऊँगा। तो नेक्स्ट सिटी 200 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। आज रात को जो है हम रस्ते में कहीं रुकेंगे और तंबू लगाएंगे, या फिर कोई भी जगह मिल गई जहाँ पर सोने की प्रबंध हो सकता है तो वहाँ सो जाएंगे भाई। मंगोलिया के लैंडस्केप्स के बारे में बहुत सुना था, अब देखने को मिलेगा। बस एक ही शर्त है, भगवान करे 3-4 दिन तक हवा तेज ना चले और सामने की ना चले। कहते हैं मंगोलिया में हवाएं बहुत तेज चलती है, तो अगर हवा सामने की होगी तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है हमें। हमें क्या किसी को, इवन गाड़ियां रुक जाती हैं यहाँ पे अगर तेज़ हवाएं होती। लो भाई, मैंने यहाँ पे कैश चेंज करवाने की कोशिश करी, कहीं कैश चेंज तो नहीं हुआ, पर ATM से पैसे निकल गए। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ATM से भी निकलेंगे। भाई साहब, मैंने गलती से 50,000 निकाल लिए, तो अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ की करेंसी जो है वो 7 लाख। अब कितने पैसे कटेंगे वो मेरे को नहीं पता, पर 7 लाख आ गए हैं। ये देखो, अब ये सारे 10-10 हज़ार के आए हैं। तो भाई ऊपर बैंक तो था, बैंक वालों ने चेंज नहीं किए करेंसी, तो मेरे को ATM से निकालनी पड़ी। अब यहाँ पे ही पास में ही जो है सिम कार्ड लेना है, तो सिम कार्ड और पैसे दो चीज़ हो जाएंगी, बाकी सब चीज़ तो मैनेज हो जाएगी। ये 60 GB 60,000। व्हाट इज़ द योर करेंसी नेम? तुगरुक। ये यहाँ की करेंसी है, तो ये 60,000 तुगरुक का 60 GB मिल रहा है। ये मंगोलिया का रेलवे स्टेशन है, पहला रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे आके इनकी ट्रेन उतर रुकती है, और इसके अंदर जो है एक बैंक है, ATM मिल गया मुझे, अंदर ही मोबी सेल करके कुछ कंपनी है उसका सिम कार्ड मिल गया। सिम कार्ड जो है मुझे 1600 रुपये में मिला, 1600 रुपये में 60 GB डाटा मिला मुझे। अगर आप चाइना की तरफ से रेल से आते हो तो वो आपको यहाँ उतारती है, यहाँ से फिर आप दूसरी रेल या फिर टैक्सी लेके जा सकते। सारा सामान ले आया मैं, अब इसमें डाल लूँ ये 6 बोतल पानी की, सबसे पहले ब्रेड, आलू, नींबू, और 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7.5 और 1.5, 9 और 1 लीटर 10 और 1 लीटर दूध और 1 लीटर, ये 12 लीटर के करीब तो मैंने लिक्विड कर लिया, खाने की चीज़ें कर ली। अब अगले 200-300 किलोमीटर तक दिक्कत नहीं है। पूरे मंगोलिया में 3 मिलियन पॉपुलेशन है, 30 लाख लोग हैं, दुनिया का लीस्ट डेंसिटी वाला जो देश है। इस वजह से आपको 100-100 किलोमीटर तक भी कोई नहीं मिलने वाला, कोई एक दो आपको ट्रक मिल जाए और मिल जाए, रोके ना रोके वो एक अलग बात होती है। ये सुपरमार्केट है, इससे मैंने खाने की चीज़ें ले ली। वो रेलवे स्टेशन है जहाँ से मैंने पैसे चेंज करवाए और अपना ATM ले लिया। तो अब निकलते हैं यहाँ पे, नसेड़ी आ गए, ये चारों तरफ नसेड़ी बैठे हैं। लो भाई, हम सब कुछ लोड करके पानी वानी खाना पीना निकल तो लिए, अब देखते हैं कैसा रहेगा हमारा निकलना। एक ये जैकेट सी लेके आया था मैं वहाँ से, ये गर्मी की जैकेट एक्चुअली, बस इसमें से हवा क्रॉस होती रहती है, तो ये डाल ली मैंने। हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे यार, अब फेस भी ख़राब होएगा अगले 5-6 दिन में। अब यहाँ पे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो बंद होगी, दिख नहीं है कोई 3-4 फ्लोर की कोई। ये भी गवर्नमेंट का ऑफिस दिख रहा, चाइना का ही, यहाँ का नहीं है, चाइना का झंडा लगा हुआ है। गाड़ियाँ भी अलग सी दिखने लगी हैं, टोयोटा की गाड़ियाँ जो सेकंड हैंड आई हुई होंगी जापान वगैरह से, वो वाली गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही है। पता नहीं है किधर जाना है। हेलो, हाउ आर यू? इंडिया। ब्रेक कर। ये लो जी, हम सिटी से बाहर निकल रहे हैं, सिटी छोटी सी है ये, अब देखते हैं कैसे पहुँचेंगे। 700 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी धन्नो चलेगी, और
लोग अच्छे हैं यार, बच्चे मेरे को अभी हाय हेलो करके निकल रहे थे, स्कूल का टाइम हो गया बंद होने का शायद। हमें बॉर्डर क्रॉस करते करते 1 बज गया, तो अब हम 7 बजे तक राइड करेंगे, कितना जा सकते हैं, 100 निकले 80 निकले और फिर जो है कल सुबह से नॉर्मल राइड पे स्टार्ट हो जाएंगे। क्या ब्लैक ड्रेस है भाई इनकी यहाँ पे। अब बस यहाँ से आगे सिर्फ डेजर्ट डेजर्ट दिखेगा, कम से कम 500 किलोमीटर तक तो बिल्कुल ही डेजर्ट है, उसके बाद थोड़ी बहुत ग्रीनरी आएगी, पर डेजर्ट में भी इन्होंने प्लांटेशन करने की कोशिश की हुई है। बस साथ में रेलवे लाइन चलेगी, ये वो ट्रांस साइबेरिया ट्रेन है जो रसिया के मॉस्को से चल के और बीजिंग तक जाती है, 6,500 किलोमीटर की। तो इसमें से अब हम जो है पिछले 800 किलोमीटर कवर कराए और 700, ये 1500 तो हम ही कवर कर देंगे। ये देखिए ट्रकों का अड्डा आ गया, ये इधर से ट्रक आ रहे होंगे चाइना से, और ये यहाँ पे बस लोड वोड होते हैं, ट्रेन में से भी उतरते हैं जो कंटेनर वंटेनर सारे यहाँ लोड करके एक दूसरे से शिफ्ट करके चाइना के ट्रक यहाँ पे रह जाते हैं, यहाँ से फिर आगे मंगोलिया के ट्रक स्टार्ट हो जाते हैं। पहला शहर आएगा 208 किलोमीटर पे, फिर 426 पे, फिर 651 पे। आगे टोल है या कुछ और है, या तो एंट्री गेट है। हेलो, थैंक यू। पुलिस बैरियर था, वो बेचारा अपने फ़ोन में लगा हुआ था, मैंने पूछा कि जाऊँ क्या, बोले जा। हे हे, इतने बड़े ब्रेकर बनाते हैं क्या पागलों से। अब इधर प्रॉब्लम एक होने वाली है कि कहीं बैठने के लिए चाय पानी पीने के लिए भी जगह नहीं बची मिलेगी। सेनसांद, सेनसांद करके जो सिटी है वो आएगी 200 किलोमीटर पे, च्योर करके आएगी वो 2400 पे, उलनबतार 650 पे। ऐसे ही चलना है बस, ये पहाड़, ये रास्ते, क्या डिज़ाइन आया भाई, वेलकम टू मंगोलिया। फ़ोटो तो बनता है यहाँ पे, ऑफिशियली भी वेलकम कर दिया इन्होंने हमारा। मंगोलिया में आपका ऑफिशियली स्वागत करते हैं ये लोग बोर्ड लगा के, और पीछे देखो मंगोलियन ऊँट भी बना रखे हैं। और एक खास बात पता है क्या, सबसे ज़्यादा प्यार आप लोगों ने मुझे सूडान सीरीज़ में दिया था सहारा डेजर्ट में, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे प्यार गोबी डेजर्ट में भी दोगे। गोबी डेजर्ट का एक पार्ट जो चाइना में था वो हम कवर नहीं कर पाए, पर ये जो डेजर्ट होगा ना मज़ा आएगा। देखो दोनों अपनी मस्ती में चलेगी, सुबह शाम रात को दिन में जैसे भी चलेगी। आगे देख रहे हो कहीं बैठने की जगह नहीं है, तो ऐसे गेट से बनाए होंगे आपको, जगह जगह गेट से दिखेंगे, इनके अंदर शायद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने की जगह मिलेगी हमें। ऊपर मंगोलिया लिखा हुआ था, मंगोलिया मेरे ख्याल में उड़ गया है हवा की वजह से, तेज़ हवाएं चलती है ना यहाँ पे, इसके अंदर बैठते हैं थोड़ी देर, जगह बनती है। ऊँट का डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये ऊँट भी है ना, दोनों तरफ पैनियर्स लगाए हुए हैं ऊँट के भी। तो पुराने टाइम में ये जो सारा सामान इधर से उधर जो है ऊँट से ही ढोते थे, तो सामान ऐसे लोड करके लेके आते थे चाइना से और इधर लेके जाते थे। मंगोलिया की हिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही है, जंगेज खान खतरनाक आदमी था भाई, पूरी दुनिया में फेमस था। मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाली लग रही है, मुझे ना अपनी दूसरी टोपी निकालनी पड़ेगी, हेलमेट रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना मक्खियाँ हैं खतरनाक वाली। तो देखता हूँ अगर मेरे पास मक्खियाँ आनी शुरू होगी ना, तो फिर वो जहरीली मक्खियाँ होती हैं कई बार जो है डेजर्ट में, वो ना हो। लो भाई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, आंधी आ गई है, तूफान आ गया, और अब फेवर का है, इधर से मैं आ रहा हूँ और ऐसे ही जा रही है। देखो झंडा देखो कैसे निकल रहा है, तो इधर ही जाना है हमें, मौका मिला है फ़ायदा उठाया जाए, 100-200 किलोमीटर जितनी निकलती है निकाली जाए, रात तक भी घूमूं मैं। अब हाईवे पे हम और एक ट्रेन जा रही है, कोई गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं है भाई, 10 मिनट में एक कोई ट्रक आता है, गाड़ी आती है, बस डबल इंजन लगा हुआ है। माल गाड़ी छुक छुक करती जाए, माल गाड़ी रे छुक 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 करती जाए माल गाड़ी रे। हर 15-20 मिनट में एक ट्रेन आ जाती है भाई, और लोडेड, और ये सब ट्रेन चाइना से आ रही है और रसिया जा रही है। एक डब्बे पे 2 कंटेनर रखे हुए हैं, चाइना रेलवे लिखा हुआ है। ओए होए 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 होए, 50-55 किलोमीटर आ गई दोनों, पर हवा फेवर की होने से थोड़ा चलने में मज़ा आया। ट्रक हैं पर इतने भी ज़्यादा नहीं है, कुछ ट्रैफिक तो इतना ज़्यादा है नहीं, शाम हो जाएगी तो शायद ट्रक कम हो जाएंगे।
उधर ऊँट खड़े हैं पीछे, दूर है दिखेंगे नहीं, बकरियां तिक्के सिंह की है और कोई भी आदमी नहीं है इनके पीछे, इम्पोर्टेंट चीज ये फ्रीली मूव कर रही है और टाइम का पता चल गया इनको कि अब जाने हैं तो चल पड़ी सब। भाई साहब एक मालगाड़ी और आ गई है, यहाँ पर मालगाड़ी ही मालगाड़ी चलती हैं, ये सब रॉ मटेरियल लाते हैं मंगोलिया से, रसिया से बना के माल वापस भेज देते हैं रसिया मंगोलिया। ये गाड़ी है चाइना की, तो अभी तक चाइना की गाड़ियाँ चल रही है इधर, डबल इंजन की गाड़ी है, डबल इंजन की और डीजल लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है, डीजल की गाड़ियाँ हैं, डीजल के इंजन है। बादल हो गए खतरनाक वाले, हम जो है 65 किलोमीटर आ चुके हैं सुबह से। ऐसा मौसम का मुझे उम्मीद थी कि मंगोलिया में मेरे साथ ऐसा ही मौसम होएगा, बारिश भी आएगी और अगले 200 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है और कोई जगह नहीं है जहां पे मैं कैंप कर सकूं, तो मुझे लगता है कि मुझे जो है अगले 15 किलोमीटर तक चढ़ाई है, तो मेरे को है कि मैं 15 किलोमीटर निकाल के चढ़ाई वाली और फिर कहीं कैंप लगा लूँ। 6 बजने वाले हैं, फास्ट जा रहा हूँ, डुक 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 डुक। चल मेरी धन्नो। मंगोलिया आए तो मंगोलिया के घोड़े रोड पे आपको ना मिले तो क्या बने। मंगोलिया फेमस है अपने चरगाहों की वजह से, यहाँ पे लोग अपनी भेड़ गाय चराने के लिए घोड़ों का यूज़ करते हैं, और वो जो दो थुई वाला हमारे लद्दाख में ऊँट मिलता है वो भी मिलता है यहाँ पे हम देखने को मिल जाएंगे। अभी तक कोई गांव शहर नहीं आया चलने के बाद में, पर कुछ बकरियाँ या भेड़ दिखी हैं मुझे और एक ये घोड़ा दिखा है। 7 बज गए हैं, दोनों को पीछे खड़ा किया, चारों तरफ कुछ ही नहीं है और मैं लगभग 80-85 किलोमीटर राइड करके आ चुका हूँ सुबह से। बादल हैं तो यहाँ पे मुझे कुछ दिखा, ये तो मैं यहाँ पे देख के आता हूँ, कोई है तो उनसे पूछ के और यहाँ पे कैंप लगा लूँगा। पूछना ज़रूरी होता है यार दूसरे देश में, और पहला दिन है वाइल्ड कैंपिंग करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे 100-100 किलोमीटर तक कोई भी नहीं है, कोई लग ही नहीं रहा मुझे यहाँ पे। दोनों को वहाँ पे खड़ा करके आए, ये पहला कैंप सा दिखा है मुझे 80 किलोमीटर में, पहले कोई था ही नहीं। इनके जानवर वानवर होंगे यहाँ पे, लोग लगा हुआ है यहाँ पे भी हर जगह लोग लगा हुआ है। अगर लोग लगा हुआ तो भी अपन तो कैंपिंग तो यहीं करेंगे, आगे तो कहीं जा नहीं सकते। पशुओं का बाड़ा था शायद, पशु ये चराने के लिए आगे ले गए होंगे या कहीं और ले गए होंगे या बंद कर दिया होगा, लग तो रहा है कि बंद ही कर दिया काफ़ी टाइम से, पुराना सा गोबर पड़ा हुआ लग रहा है। दूसरी साइड और देख लेता हूँ कोई है तो, उधर तो कोई दिखा नहीं, पीछे भी कोई नहीं है, तो हम तंबू लगाएंगे इसी के पास कहीं। पानी हमारे पास है ही, खाने का हमारे पास है, कोई आएगा तो बोल देंगे यार सोना ही था। जानवर वानवर सब लेके चले गए हैं यहाँ से, कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे, बन जा रहे हैं नहीं तो। ये जगह सही रहेगी, ढलान भी है, बारिश आएगी तो ऐसे पानी नीचे की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे कैंप लगाता हूँ मैं, सामान निकालता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ फिर लगाऊँगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कॉफ़ी का जुगाड़, सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया पिया, बस चले जा रहा हूँ, 2 ब्रेड खाई थी सुबह से। हवा तेज़ चल रही है अभी भी, मन तो कर रहा है कि इस हवा के साथ साथ चलता रहूं, 50-100 किलोमीटर और निकाल दूं, क्योंकि परसों जो हवा उल्टी हो जाएगी, कल तो और है, तो कल तो एक बड़ा सिटी है 120 किलोमीटर यहां से, 120-130 है कितना है, तो वहां तक पहुंचूंगा। पॉट में ला के ना और पानी गर्म कर रहा हूं, कॉफ़ी बनाऊँगा, कॉफ़ी के पाउच इसमें डाल लूँगा और इसी में पी लूँगा। तो कब था जो वो कहाँ गिर गया पता नहीं, एक बार कॉफ़ी बना के और फिर सब्जी बनाऊंगा यार। कॉफ़ी इज़ रेडी, इसके अंदर कॉफ़ी भर ली यार, गिलास गायब हो गया, तो चाय बिस्किट खाते हैं लोग, तो मैं कॉफ़ी बिस्किट ले रहा हूँ। क्या है यार यहाँ पे पता नहीं, मे भी हो सकता है कि वो है ना पशुओं का बाड़ा है, पुराना है पर फिर भी बाड़ा तो बाड़ा ही है ना। और उधर देखिए सनसेट होने वाला है, पर जर्नी अच्छी रही आज, मज़ा आया, एक देश को छोड़ा एक मीकू से, चाइना का एक्सपीरियंस ठीक था यार। लो भाई चाय वाय पी लिए, थोड़ा सामान वामान सेट कर लिया है और चेंज वेंज भी कर लिया है मैंने, और अभी क्या है कि मैं सोच रहा हूँ प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना लूँ थोड़ी सी, ब्रेड मेरे पास हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, उस टेंट तो बाद में भी लग जाएगा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी हवा कम हो जाए ना फिर कैंपिंग करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा तब तक खाने का जुगाड़ कर लूँ मैं। तो मैं पहले ये कर रहा हूँ, ये दोनों कट के और इनको सेट कर रहा हूँ।
काट दिए दोनों। मेरे पास चाकू है, मेरा चाकू देखो, ये मैं कहाँ से लेके आया था, संदीप भाई से लेके आया था, स्विस चाकू, छोटा है पर बढ़िया है। तो ये सब मसाले पड़े हैं मेरे पास में ए टू जेड, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, और हम ओलिव ऑयल में बनाएंगे अब इसको। ये है ओलिव ऑयल, पता नहीं है यार कई चीज़ें तो ना नाम मिट गया उनके से। सॉल्ट है, सॉल्ट काम आएगा। इसमें क्या है, काली मिर्च, धनिया। इधर देखो मौसम कैसा हो गया, ये तो धनिया है, जीरा ही है, जीरा मैंने ऑलरेडी घेर दिया। ले फिर इंडिया में तो बगैर हल्दी तो कुछ बनेगी नहीं। लगभग तैयार हो गई है, दो टाइम का काम चल जाएगा इससे। काफ़ी दिनों बाद में कुकिंग करी है यार, पहले मैं करता था कुकिंग। सुबह भी काम चल जाएगा इसी से, दो टाइम का काम चल जाएगा। कैंपिंग करनी रहती है, बाकी सब चीज़ तैयार है। पहले मैं खाऊंगा फिर कैंपिंग करूंगा, क्योंकि तब तक गाड़ी वोड़ी सब बंद हो जाएंगी। मैं तो सोच रहा था 7:30 तक सनसेट होता, मुझे लग रहा है यहाँ पर 8 बजे से बाद में ही सनसेट होएगा। और सनराइज़ पता है कितने बजे होता है, सुबह 4:30 बजे। रेडी है भाई, गरम है गरम। मज़ा आ गया, अब पेट भर जाएगा। एक टाइम का फूड अच्छा मिल जाए ना। मैंने दही लिया था, वो दही थोड़ा मैं पी गया रास्ते में। तो आइएगा खाना खाइएगा हमारे साथ भी कभी मौका मिले तो। ये मालिक भी आ गया भाई, इसका संभालने आया हुआ इसको। तो मैंने इससे पूछ लिया कि मेरे को यहाँ सोना है, बोले सो सो सो, कोई चक्कर नहीं है। मैंने उसको डिनर ऑफर किया कि ब्रेड के साथ सब्जी खा ले भाई। नो 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 नो, कोई नहीं भाई। मेरे को लग रहा था कि आधी सब्जी मैं आज खाऊंगा आधी कल खाऊंगा, मैंने तो पूरी निपटा दी। अब इसको टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे और पैक कर देंगे, अदरवाइज़ क्या है रात को मच्छर वच्छर लगेंगे दूसरा, और दोऊँगा तो पानी ज़्यादा लगेगा। मेरे पास सिर्फ 5 या 6 लीटर पानी बचा हुआ है, 4-5 लीटर मैं पी गया हूँ, पानी है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी। ये मालिक जी चल पड़े, आए थे संभालने, मेरे को संभाल के चल पड़े। और मेरे को चाहिए टिश्यू पेपर, मजबूरी में यूज़ कर रहा हूँ यार, टिश्यू वगैरह कम ही यूज़ करते हैं। अब मैं कैंपिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ क्योंकि हवा बंद हो गई है। पहले हवा की वजह से मैं नज़दीक कर रहा था, अब दूर इसलिए कर रहा हूँ कि रात को ना तारों को देखना चाहता हूँ मैं, वहाँ पे रहूँगा तो तारे अच्छे से दिखेंगे। एवरीथिंग इज़ रेडी, धनों को मैंने इसके पास में लगा दिया है और सारा सामान रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ कह लो तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है यार, यहाँ पे आप फ़ोन भी नहीं कर सकते और इंटरनेट चलाना तो भूल ही जाओ। बगैर इंटरनेट बगैर दुनिया से टच में रह के आज मैं जो है अपनी रात बिताने वाला हूँ। कोई भी नहीं है मेरे आस पास, अभी एक दो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये थोड़ी देर में बंद हो जाएंगी क्योंकि 9 बजे जो है इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज़ हो जाता है, तो उसके बाद ये सब बंद हो जाएंगी, मैं अकेला ही रहूँगा यहाँ पे।